नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो जहां पे हम क्रिकेट की बातें करते हैं, और क्रिकेट की बातें करते हैं तो फिर हमेशा हमारे साथ कुछ खास मेहमान होते हैं। आज एक नहीं दो खास मेहमान है, क्योंकि ये द दूसरा शो है। पहले जो खास मेहमान है वो है मेरे पुराने दोस्त पंकज हटावले। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया इस स्वागत का। सब ठीक है, सब बढ़िया, सब चंगा। क्या बात है। और दूसरी तरफ है हेलो यश पाठक। क्या बात है यश, क्या हाल है आपके? हैं और आज हम बात करेंगे भारत बनाम न्यूजीलैंड, जो एक दिवसीय श्रृंखला चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दो मुकाबले हो चुके हैं, दोनों मुकाबले भारत ने दमदार तरीके से जीत लिया है। दूसरे मुकाबले के बारे में खासकर बात करेंगे, जो 21 जनवरी को हुआ था रायपुर में, रायपुर का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, और क्या प्रदर्शन था भारत का। बहुत अच्छा यादगार प्रदर्शन था। अगर एक तरफ भारत का यादगार प्रदर्शन था तो सबसे भूलने वाला प्रदर्शन था न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड को इतने सालों में ओडीआई में इतना छटपटाता हुआ हमने नहीं देखा है, और पावर प्ले में 4-5 विकेट चले गए थे, एंड 108 पर ऑल आउट होना शायद रायपुर की जनता ने भी इतने टिकट के पैसे देकर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यश, ऐसा कोई प्रदर्शन था भारत की तरफ से जो आपको अभी भी याद है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पास्ट परफॉर्मेंसेस थे, बट इस गेम की अगर मैं बात करूं चंद्रेश भाई, तो फिर ऐसा मेरे को लगा कि पावर प्ले में इंडिया ने मैच जीत लिया था। जिस तरह शमी और सिराज ने बोलिंग की, पहले 10 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए, तो ये बहुत लो स्कोरिंग पावर प्ले था, और विकेट्स भी ऊपर टॉप ऑर्डर पूरा खत्म हो गया। आप देख सकते आसान सा चेस था, 20 ओवर के अंदर हमने वो टोटल चेस कर लिया। तो मतलब जब हमने सोचा था कि हम लोग एक लंबी गेम देखेंगे, हाई स्कोरिंग गेम देखेंगे, रायपुर फैंस ने सोचा था, और गेम तो भैया 20 ओवर में ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली, सिचुएशन ऐसी थी कि टिकट दिया था ओडीआई के लिए, लेकिन दूसरी पारी में बोल दिया कि T20 है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खेल तो 50 ओवर का था, 50 ओवर का मैच अभी भी बाकी है इस श्रृंखला में। आखिरी मुकाबला होने वाला है इस एक दिवसीय श्रृंखला का इंदौर में। मैच इंदौर में है, पर आउटडोर पे मुकाबला होगा। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कि ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा 24 जनवरी को। दिलचस्प मुकाबला होगा। अभी भी इस श्रृंखला में दोनों टीमों के पास कुछ होने को है, कुछ पाने को है। ये तो है, लेकिन इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पर बहुत सारे रन होंगे। सर्दियों का मौसम है तो बहुत ही वंडरफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल एटमोसफियर वेदर टू प्ले क्रिकेट। और देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50-50 है। जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं और चेस करते हुए 3, और पेसर्स के लिए भी अच्छा वहाँ पर सपोर्ट मिलता है, स्पिनर्स के लिए भी मिलता है। और सबसे अहम बात है होलकर स्टेडियम की, मैच तो होगा मैदान में, लेकिन जब आप मैच देखने आएंगे तो वहां पर आपको नाचने वाले पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक कॉप भी मिलेंगे जो नाचते हुए करते हैं। क्या बात है। और यहां पे देखिए कि अब तक जो भारत में एक दिवसीय श्रृंखला हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, पारंपरिक तौर पर 1988 में शुरू हुआ था ये, और देखिए भारत का एक दबदबा रहा है न्यूजीलैंड के ऊपर, वो बरकरार है। उसी तरह जब भारत न्यूजीलैंड जाता है तो न्यूजीलैंड का दबदबा है भारत पर, वो बरकरार रहता है। मतलब मैं अपने घर में शेर, आप अपने घर पे शेर। एब्सोल्युटली ऐसा ही रहा है कुछ सालों से, आप देख सकते हैं शुरू से ऐसा हुआ है कि पूरी सीरीज जो है इंडिया ने डोमिनेट की है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है इस सीरीज में चंद्रेश भाई और पंकज भाई की, जिसने पूरी सीरीज को ऊपर नीचे कर दिया इंडिया के लिए, और वो है हमारे वन एंड ओनली शुभमन गिल। और इसीलिए हम कहते हैं कि पुराने जमाने में बच्चों को नर्सरी राइम में कहते थे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, अब आने वाले दिनों में बुक्स में आएगा। हाँ। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, सेंचुरी मार गया शुभमन गिल। आहा, क्या बात है, क्या लाजवाब प्रदर्शन रहा है, और क्या लाजवाब था आपका ये पोएम कविता, जो भी है हम बाद में देख लेंगे। और देखिए 20 मुकाबले खेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 71 का एवरेज है। ये अपने आप को एक सुपरस्टार के तौर पर नाम बनाने में लगे हुए इस वक्त शुभमन गिल, लाजवाब प्रदर्शन रहा अब तक। बिल्कुल, और उनकी आप एवरेज देखेंगे तो अभी 20 गेम में उन्होंने 71 का एवरेज रखा है, 3 सेंचुरीज लगा सकते हैं, उसमें एक डबल सेंचुरी है, तो डोमिनेशन दिखाते इंटरनेशनल क्रिकेट पे। और ऐसा लगता है सिर्फ 23 साल के, तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर हमारा सेफ हैंड में है, तो काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है। और एक और ऐसा प्लेयर है, आप जरा कहेंगे उसके बारे में? मैं तो कहूंगा, आप भी बताइए। हाँ, मैं आप सब, आप बताइए, आप दूसरा एक खिलाड़ी है जिसके बारे में हम सब बात करना चाहते हैं। ये वो है क्या नाम, अरे मतलब बॉलिंग करता है, बिल्कुल मतलब वो हैदराबाद से है। हाँ, और इसका नाम मुझे याद नहीं, मिया नाम है उनका, नाम है मोहम्मद सिराज। इन्होंने भी 21 मुकाबले खेले,
एक दिवसीय क्रिकेट में, और इन्होंने भी अपना एक छाप छोड़ा है पर गेंद के साथ। अच्छी बात मोहम्मद सिराज के बारे में यह है कि ही वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट मैचेस, तो वहां पर वो सेटल हो रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसा दौर आया कि वो ही वाज नॉट रियली एबल टू काइंड ऑफ डिलीवर, बट ओडीआई का फॉर्मेट शायद इनको बिल्कुल फिट बैठता है एंड गुड टू सी दैट इंडिया इज यू नो यूजिंग हिम कंसिस्टेंटली इन दैट 50 ओवर फॉर्मेट। इकोनॉमी भी काफी अच्छा है उनका, विकेट टेकिंग बॉलर है, पावर प्ले में विकेट लेते हैं, जो भारत की एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है हाल फिलहाल में एक दिवसीय क्रिकेट में। इनके चलने से जो है एक बहुत बड़ा एक हेल्प मिला है कप्तान रोहित शर्मा को शुरुआती दौर में, पर बीच में भी एक दिक्कत होती थी भारत को कि विकेट नहीं ले पाते थे, पर इस दिक्कत को पूरा समाधान दिया है हमारे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कुलदीप चाइनामैन यादव ने। कैसे प्रदर्शन रहा इनका यश? बहुत बेहतरीन गेंदबाज है ये, इनका कमबैक बहुत ज्यादा बढ़िया रहा है। 2019 के बाद टीम से अंदर बार होते रहे, लेकिन अभी पिछले दो सीरीज में इन्होंने काफी विकेट चटकाए हैं। और जैसा आपने कहा कि इनका जो रिस्ट स्पिन है, जो चाइनामैन बोलिंग है इनकी, ऐसी है जो किसी को समझ नहीं आती है, और इन्होंने काफी विकेट्स लिए पिछले कुछ गेमों में। और ये है वो मिडिल ओवर्स के बोलर जो रन भी नहीं देते और विकेट भी लेते, और इंडिया को वर्ल्ड कप के प्रेपरेशन के लिए इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी था, एंड राइट टाइम पर ये पीक कर रहे, तो ये देखने को बहुत बढ़िया रहा हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है कुलदीप यादव का। और अब जो है आखिरी मुकाबला है श्रृंखला का, अब क्या बदलाव कर सकते हैं दोनों टीमें अपने 11 पे? एक नजर दोनों स्क्वाड्स पे डालते थे, पहले भारत के स्क्वाड पर नजर डालते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं पंकज इस आखिरी मुकाबले के लिए? कोई ऐसा कोई खिलाड़ी है जो बाहर बैठा जो आप उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला समाप्त हो चुका है? मुझे बिल्कुल ये तो बात है, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम जो है रजत पाटीदार और उमरान मलिक को इस मुकाबले में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बार बार वही बात चल रही है कि शार्दुल ठाकुर या उमरान मलिक, तो शार्दुल ठाकुर ने तो अच्छा प्रदर्शन किया ही है, अब इस मुकाबले में उमरान मलिक और खासकर रजत पाटीदार को मौका देना बनता है, which will really help us, you know, increase वो जो ODI World Cup के लिए हमारे लिए जो contestant किसके जगह पे? हाँ, अभी interesting सी बात है कि देखो शार्दुल के जगह बुमराह को ला सकते हैं, and maybe somewhere in the mid जो middle order है रजत पाटीदार को adjust किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये आप यश आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है रजत पाटीदार के पहले सूर्य कुमार यादव को मौका देंगे, क्योंकि वो तो है ही 11 में, तो उनको अच्छा, और मौका देना चाहिए। हाँ, उनको ऊपर खिलाएंगे मेरे ख्याल में, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसा कि कहा कि उमरान मलिक आ सकते हैं मोहम्मद शमी की जगह पे, क्योंकि मोहम्मद शमी थोड़े इंजरी प्रोन से रहे, और आई थिंक कि शार्दुल ठाकुर अगर ना भी बैठे तो मोहम्मद शमी की जगह पे उमरान मलिक तो खेल ही सकते। और न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर अगर नजर डाले तो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में क्या बदलाव हो सकता है यश? क्या बदलाव करेंगे? इनके पास विकल्प बहुत कम है। बिल्कुल कम विकल्प है, और मुझे ऐसा लगता है इसमें इश सोडी अंदर आ सकते हैं जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर सैंटनर की जगह पे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि दे विल ट्राई टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि इनके लिए वैसे ही कुछ चलानी है। तो लास्ट गेम है, दे विल ट्राई टू गेट देयर बेस्ट 11, एंड 3-0 से बेहतर 2-1 होता है, तो प्रोबेबली वो लोग चाहेंगे कि एक विक्ट्री आए लास्ट गेम में। इनकी टीम तो अच्छी है, सिर्फ इनकी जो बैटिंग है वो उतनी चली नहीं है। आपने फर्स्ट गेम में भी ऐसा ही हुआ था, उनके जो लोअर ऑर्डर है उन्होंने रन किए थे, टॉप ऑर्डर में कुछ चेंज हमें शायद देखने मिल सकता है, फिल एलन शायद बाहर हो सकते हैं। दिलचस्प है, और वक्त हो चला है प्रेडिक्शन का, भविष्यवाणी करने का। तो भविष्यवाणी करना है तो सिर्फ एक इंसान का नाम याद आता है, पंकज अटवाले। पिछली बार आप सबको याद है इन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, पर आपको पता है क्या हुआ? इस बार क्या होने वाला है? इस बार इंडिया जीतेगा। अच्छा, तो बता, समझ जाए क्या होने वाला है। यस, मैं भी कहूंगा इंडिया जीतेगा, क्योंकि तीसरी गेम है, इंडिया चाहेगा कि क्लीन स्वीप करे, बहुत सालों से ऐसा हुआ नहीं है। लास्ट आई थिंक 2016 में भी हमने क्लोज हम हारे न्यूजीलैंड से, या क्लोजली जीते हैं हम उनसे, तो इस टाइम हम चाहेंगे क्लीन स्वीप करे काफी सालों बाद, और 3-0। चलिए, मैं भी मानता हूं 3-0 से भारत ये श्रृंखला जीतेगा। आप लोग क्या जानते हैं, क्या आप लोग क्या मानते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। हमारे इस वीडियो के नीचे दाएं बाएं अगल बगल सब जगह जाके कमेंट कीजिए, हम फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह मौजूद है, सब जगह जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ वो नोटिफिकेशन की घंटी, जी हाँ, वो दबाना ना भूले। पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार, यश आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक और वीडियो के साथ इस श्रृंखला की समाप्ति पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय फॉर नाउ।